तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यूट्यूबर हैं और हमारी परेशानी क्या है कि हमारा चैनल मोनेटाइज कब होगा और हम कब पेमेंट ले पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेटवर्क की जिससे आप बिना एडसेंस मोनेटाइजेशन के अपने चैनल से पैसे कमा सकते हो, यानी आपको एडसेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी होता है और वहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ अफरोज रब्बानी, आप देख रहे हैं टेक्निकल रब्बानी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हम बात कर रहे हैं एमसीएन के बारे में, यानी मल्टी चैनल नेटवर्क। यानी ये क्या होता है, कैसे काम करता है और हमें क्या क्या फैसिलिटी इसमें देखने को मिलती है, सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर एमसीएन होता क्या है। तो एमसीएन क्या होता है, एक मल्टी चैनल नेटवर्क है। यानी आपको जिस तरह से एडसेंस से आपके वीडियो पे एड दिखाए जाते हैं, उसी तरह एमसीएन से भी दिखाए जाते हैं और इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। आपके चैनल को बूस्ट मिलता है और आपको इसमें पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं होती है, सेम एडसेंस की तरह है। लेकिन इसमें अगर आपके पास $1 है या $10 या $100, आप जब भी चाहे पेमेंट ले सकते हो। इसमें कोई भी पॉलिसी नहीं है कि आपका पेमेंट होल्ड पे रहेगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर बात करें एमसीएन की, तो इसे हम किस तरह से और मतलब कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एमसीएन क्या होता है, बहुत से ऐसे नेटवर्क होते हैं और एमसीएन कुछ एमसीएन बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले अगर एमसीएन आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या होता है, उनकी टर्म और कंडीशन पढ़ लेना होता है। अब जैसे क्या होता है कि गूगल एडसेंस में आपको एकदम फिक्स रेट है कि चाहे वो कितना भी बड़ा यूट्यूबर्स हो चाहे छोटा हो, सारे का रेट एकदम फिक्स है। यानी 55% आपको देगा और 45% अपने लेगा। लेकिन एमसीएन में ऐसा नहीं होता है। एमसीएन में क्या होता है कि आपके एक पॉलिसी लिखवाई जाती है, उस पर साइन किया जाता है और आपके जो भी अर्निंग होती है, कितने परसेंट आपको देना है, उसमें से कितना अपने रखना है, सारे चीज़ें फिक्स होती है। यानी आप अपने हिसाब से उसे कर सकते हो। यानी अगर आपको 20% लेना है, 50% लेना है, आप उनसे एक पॉलिसी जो होता है, आप वहाँ पे टर्म कंडीशन पे आप उनसे सिग्नेचर करवा सकते हो। यानी अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप एमसीएन ज्वाइन नहीं कर सकते हो, आपके हिसाब से आप उसे कर सकते हो। और ज़्यादातर एमसीएन कुछ इस तरह से होते हैं कि आपके साथ धोखाधड़ी भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई भी एमसीएन ज्वाइन करने से पहले आप उसके टर्म कंडीशन को, सारी पॉलिसी को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि बाद में आप इसमें फंस सकते हो। और ज़्यादातर बात यह है कि एमसीएन से अच्छा एडसेंस इसलिए है क्योंकि एडसेंस हर तरह से एकदम क्लियर है, आपको कोई वहाँ पर फ्रॉड देखने को नहीं मिलता है। एमसीएन में ऐसा ज़्यादातर होता है कि आपको फ्रॉड देखने को, तो हाँ, बहुत से ऐसे एमसीएन अच्छे होते हैं जो आपको ज़्यादा एड दिखाते हैं, आपके चैनल से अर्निंग ज़्यादा करवाते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा एड चलवाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अच्छे एमसीएन कैसे मिलेंगे, आप जब टर्म कंडीशन पढ़ोगे तब। तो ये हो गया एमसीएन से फायदे नुकसान और एमसीएन कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात यहाँ पे आती है कि क्या अगर हमारा चैनल पहले से मोनेटाइज नहीं है एडसेंस के द्वारा, तो हम एमसीएन ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब तक आपके एड वीडियो पे एड नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि सेम कंडीशन इसमें भी फॉलो होता है जैसा कि एडसेंस में होता है। तो एडसेंस से अगर आपका अप्रूवल मिल गया है और आप एमसीएन ज्वाइन कर लेते हो तो आपको डायरेक्टली आपके वीडियो पे एड देखने को मिल जाएंगे। एमसीएन अच्छा है और बुरा भी है, क्योंकि अगर अच्छे से अच्छा एमसीएन अगर आपको मिलता है तो आपके चैनल को भी बूस्ट करेगा, आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, अर्निंग भी ज़्यादा होगी, सारी चीज़ें बेनिफिट होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा एमसीएन आपको मिल जाता है, आप उसे समझ नहीं पाते हो, तो आप फंस जाओगे। तो मैं अगर रिकमेंड करूँ कि एमसीएन और एडसेंस में अगर आप पूछ रहे होगे अपने मन में कि एमसीएन और एडसेंस में अच्छा कौन है, तो मैं सीधे से रिकमेंड करूँगा कि एडसेंस ही आपके लिए बेहतर है और ये एडसेंस सबके लिए बेहतर है। हाँ, ये बात है कि एडसेंस जो है आपके चैनल को बूस्ट होने में मदद नहीं करता। हाँ, कहता है लेकिन एडसेंस की हम आपके चैनल को बूस्ट देंगे, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से लगभग 1-2% ही होता होगा। तो आपको समझ में आ गया कि एमसीएन क्या होता है, आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदा क्या नुकसान, सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में क्लियर कर दी। अगर आपको एमसीएन से और भी ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, हम उस पर एक और वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कीजिए और नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।